सो हे हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। होप आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ पिथौरागढ़ से मैंने 12th पास आउट कर रखा है, कॉलेज कर रखा है, तो वहाँ जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ मैं आज कुछ काम से जा रही हूँ। काम हो गया तो शाम को ही वापस आ जाऊँगी। और अभी मैं पहुँची पुल के सामने। अभी मैं आ गई हूँ घर से पिथौरागढ़ के लिए, और पिथौरागढ़ हमारे वहाँ से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी मैं पहुँच गई हूँ गाइस सिलधाम पे। काश इतनी जल्दी पहुँच पाती जितनी जल्दी वीडियो में दिख रहे हैं। और ये है गाइस गांधी चौक चर्च। हम लोग हमेशा 25 दिसंबर को जाते थे। अभी मैं खा रही हूँ मोमो, और मुझे पिथौरागढ़ का सूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मोमोज वगैरह भी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा लोकल मार्केट दिखा देती हूँ। ये यहाँ की सब्ज़ी मंडी है गाइज, और फ्रूट वगैरह कितने अच्छे अच्छे आए हैं, और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ फ्रेश आ रखे हैं। तो अभी मैं गाड़ी वाले भैया को फ़ोन कर रही हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो अभी चलो गाइज गांधी चौक में हूँ गाइज। मैंने ना अपने यूट्यूब पेमेंट से अपनी सास माँ किया और अपने लिए कुछ रखा है, तो घर जाके में जो एलर्जी हुआ था ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो मैंने वो भी दिखा के लेके आई। और मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो मैं गई थी, वैसे तो हॉस्पिटल दिखाने गई थी, फिर मैंने लगे हाथ अपने लिए और मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लिया, खुद के लिए गिफ्ट लिया। मेरी साड़ी, मम्मी के लिए मैक्स ली, गर्म मैक्स ली। और अभी शाम का टाइम हो गया, तो घर जाके मिलती हूँ मैं आप लोगों को। गरम मैक्स में मम्मी के लिए लेके आई थी, और इसकी वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि ममता दी को देखना है। और कपड़ा अच्छा है, गरम है इसका, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये मैक्सी। अब मैं साड़ी लेके आई गाइज, मैं तो अपने लिए ये साड़ी लेके आई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मुझे पसंद था ये कलर, बट मैं किसी रीजन के उससे ले नहीं पाई, तो आज ले लिया मैंने फाइनली अपने यूट्यूब पेमेंट से। लोगों को साड़ी और मैक्सी कैसी लगी गाइज कमेंट करना। और पिथौरागढ़ में इसलिए गई थी क्योंकि मेरे हाथ में एलर्जी हो रही है, जब से मैंने धान वान काटे ना तब से वो ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो मैंने हल्द्वानी से भी दवाई खाई, वो भी ठीक नहीं हुआ। लोकल मार्केट से भी खाई, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि पिथौरागढ़ में काफ़ी अच्छा करके, तभी मैं पिथौरागढ़ से ले गई दवाई लेने के लिए। और मैं पिथौरागढ़ से आ गई थी, और बहुत ज़्यादा थक गई थी आज मैं, बोरियत हो जाती है अकेले अकेले भी गाइज। तो एक खबर और देनी है मुझे, वैसे खबर नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। बहुत टाइम से ना मैं एक चीज़ गौर कर रही थी, फिर मैंने सोचा बोलूँ या नहीं बोलूँ करके, तो फाइनली बोल देती हूँ मैं गाइज। जब मैं अपने घर से ना थल या नाश्ते या हलवा नहीं कहीं पे भी जाती हूँ ना, कुछ एक लोग मेरे घर में आते हैं मेरे पीठ पीछे। जैसे कि जब मैं घर में होती ना सभी लोग आते हैं, नॉर्मल सी बात है, सबके घर में आते हैं। लेकिन मैं कभी घर से बाहर जाती हूँ, जैसे कल परसों की बात बताती हूँ, मैं गई थी बलियाओं मंदिर में, तो कुछ लोग जो मेरे सामने नहीं आते वो मेरे पीठ पीछे मेरे घर के सामने क्यों आते होंगे, घर में क्यों आते होंगे। पीठ पीछे आने का मतलब वैसे पता है मुझे, सबको ही पता होगा वैसे, लेकिन ऐसे या तो तुम लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करने के लिए आते हो वो बात अलग है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने अपना मुंह खोल सको। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी ना, जैसे मेरे पीठ पीछे मेरे घर पे आते हो ना, तो आज से आने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि तुम पीठ पीछे आके क्या करते हो वो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। तो यही बोलना चाहूँगी कि अभी तो मैं बस ऐसे ही बोलूँ ना, कल के दिन मैं तुम्हारी फैमिली को बोल दूँगी, मतलब जो तुम्हारे खास है ना उन लोगों को बोल दूँगी मैं कि जब मैं घर में होती हूँ उस टाइम पे नहीं आते हैं, और जब मैं इधर उधर जाते हैं तुरंत तो मेरे घर में आ जाते हैं करके। तो आगे से ध्यान रखना इस बात का, आज मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब की बार मैं सीधे तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली मेम्बर को बता दूँगी।